हेलो दोस्तों, हम फिर से आ गए एक और नई वीडियो लेकर आपके सामने। वैसे तो रेलवे में बहुत ज़्यादा काम होते हैं, मगर उनमें से ग्रुप डी का एक और काम है, गुल्लेगरी सिंह का, जो ब्रिज पर पुलिया बंदी पुलिया के ऊपर जो लाइन होती है उसके पास में जो दूसरी लाइन होती है उसे हम गार्ड रेल बोलते हैं। ये बड़े बड़े ब्रिजों पर के ऊपर बंदी होती है, कभी कभी छोटे ब्रिज पर भी बंदी होती है। इससे पूरे पुल को सपोर्ट मिलती है ताकि ताकि पुल में कोई दिक्कत ना आए, ट्रेन आसानी से निकल जाए यहाँ से। तो दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं इसे हम गुल्ला मशीन बोलते हैं, और ये गुल्ले कभी कभी बहुत जाम हो जाते हैं, जिसे हथौड़ी से पीट पीट कर रवा किया जाता है, मगर बहुत ज़्यादा हार्ड होने की वजह से खुल नहीं रहा है। देखिए, वैसे तो बहुत मेहनत का काम है रेलवे का, ग्रुप डी का। धूप में भी काम करना पड़ता है, धूप हो या छाओ काम तो करना ही पड़ता है। बारिश, तेज़ बारिश में भी, कभी कभी तेज़ बारिश में भी करना पड़ता है। देखिए, इसमें पानी डालकर इसे रवा कर रहे हैं, थोड़ी मार मार कर। देखिए, पूरी ताकत लगा रखी है, फिर भी नहीं खुल रहा। देखिए, दो दो आदमी मिलकर ताकत लगा रहे हैं। पूरा जोर लगा रखा है दोस्तों, ये टूट भी सकती है गुल्ला मशीन ज़्यादा जोर लगाने से, फिर भी पूरी ताकत लगा रखी है, जितनी भी ताकत है। बहुत ही हार्ड काम है वैसे देखा जाए तो। ग्रुप डी का काम देखिए, गुल्ले ग्रीस गुल्ले पर ग्रीस लगा लगा के इसमें बांधा जाता है। एक गार्ड रेल इसलिए लगाई जाती है कि पुल को पूरा सपोर्ट मिले और हमारी ट्रेन आसानी से यहाँ से निकल जाए। देखिए कैसे गुल्ले ग्रीस किए जाते हैं। अगर यहाँ पे हम गुल्ले इस पे गार्ड रेल पे गुल्ले नहीं कसेंगे तो गार्ड रेल ऊपर उठ जाएगी और जो ट्रेनें हमारी आती जाती हैं एक्सीडेंट होने का खतरा रहता है। तो दोस्तों, हमें इनको पूरे टाइट बांधना पड़ता है। देखिए, ट्रेन भी आ चुकी है। कभी कभी तो ध्यान नहीं रहता कि ट्रेन आ चुकी है या नहीं। बहुत सारे रेलवे में एक्सीडेंट होते हैं, हमारे ट्रैकमैन भाई, बहुत सारे ट्रैकमैन भाई इन हादसों का शिकार हुए हैं। सो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें।